हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग। हम सभी लोग घूमने गए थे चिड़ियाघर। ये ब्लॉग मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ बंच थे वीडियोस व्लॉग वगैरह के, तो मुझे लगा एक साथ ही नहीं सारे अपलोड करती हूँ। सो ये संडे का ब्लॉग है। बहुत दिन से हमारा प्लान था चिड़ियाघर जाने का। मैं बहुत पहले गई हुई थी तो मैंने सोचा चलो आप सब लोग चलेंगे। सो पूरी फैमिली हम लोग गए और पार्किंग की बहुत दिक्कत थी तो बहुत टाइम उसमें ही हमारा टूट गया, लगभग 45 मिनट, 1 घंटा। फिर ये एंट्रेंस है और अब हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी जगह है और बहुत ही बड़ा पार्क है। जाते ही गौरी को वहाँ बलून्स दिख गए तो वो अब ये बलून्स ले रही है, और 1 मिनट भी शायद ये पूरा बलून इसका नहीं चला था, तुरंत इसने फोड़ दिया था। और ये है वहाँ का टिकट एरिया। ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही थी टिकट एरिया में, मगर अंदर बहुत भीड़ थी। वो पार्किंग को देख के समझ में आ रहा था। और गौरी का अपना शुरू हो गया भागना दौड़ना। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जब तुम घूमने गई थी तो गौरी को क्यों नहीं लेके गई, तो बस एक यही रीज़न है। पहली चीज़ तो ये कि ये घर पे रुक लेती है दादी के साथ में, और दूसरी चीज़ ये ना ले जाने का कि ये बहुत भागती है, एक जगह कभी नहीं रुकती है। तो ये तो चलो घूमने वाली जगह यहाँ घूम रही कोई बात नहीं, बट जहाँ बैठना ही होता है वहाँ पे इसको लेके जाना मतलब बहुत ज़्यादा ही हम लोग अपने लिए मतलब सर दर्द ले लेंगे, ऐसा कुछ रहता है। शादी में गए थे मम्मी और मैं, तब तो हम लोगों ने एकदम सोच लिया था कि अब से शादी में या मैं जाया करूँगी या मम्मी जाया करेंगी, गौरी नहीं जाया करेगी क्योंकि वो रुकती नहीं। और शादी में जब खाना वाना स्टार्ट हो जाता है तो भीड़ हो जाती है और भीड़ में भागना इसका सेफ़ नहीं है। यहाँ पे इसे बच्चियाँ मिल गई थी दो, और वो देखो कितनी शांत है और इसका अपना ही कुछ चल रहा है। फिर हम लोगों ने की एंट्री, काफ़ी टाइम लग गया था इसमें। सारी तरफ ग्रीनरी थी और इतनी भीड़ थी, मगर यहाँ कानपुर का जो ज़ू है वो इतना बड़ा था कि यहाँ पे इतनी सारी गैदरिंग समझ में ही नहीं आ रही थी। और मैं तो एकदम भूल ही गई थी यार ये कैसा सा था, क्योंकि दस साल भी मैं कम बता रही हूँ, बहुत साल हो गए हैं यहाँ गए हुए। और हस्बैंड के साथ तो मैं पहली बार आई हूँ। और आज मैंने पहना है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑरेंज एंड पिंक कलर का न्यूली ब्राइड लुक सूट। सो अगर आपको ये सूट पसंद आया हो और आपको ये परचेज़ करना हो तो आप इंस्टाग्राम पेज जॉर्की से आप इसे ज़रूर परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप मेरा कोड डालोगे इसमें अंकिता60, तो आपको 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो गो एंड चेकआउट। सो अब हम लोग आ गए हैं अंदर और यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी जो भी चीज़ें हम लोग देखने के लिए जाते हैं ना वो सब देख रहे थे। हाथी था नहीं चिड़ियाघर में, तो ये इस टाइप की डमी वगैरह बनाई हुई थी, तो गौरी उसमें बैठ गई। और पूरा टाइम घर में आने के बाद इवन अभी तक वो डायनासोर और हाथी का नाम तो भूल ही नहीं है, पूरा टाइम डायनासोर डायनासोर और यही सब हो रहा था। बट इसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया क्योंकि ये जितने भी एनिमल्स यहाँ पे इसने देखे थे वो सारे ये या तो बुक्स में देखती थी और या फिर ये टीवी वगैरह में देखती थी, तो सामने से देखने में ये भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। और बंदर या तोते वगैरह तो देख के खुद ही से बता देती कि मम्मा देखो मंकी है, मम्मा देखो चिड़िया है, इस तरह से बोल रही थी। और ये देखो क्रोकोडाइल सब आराम कर रहे हैं, ठंड में धूप मिल जाए और इस तरह का वेदर मिल जाए तो क्या ही कहना है, तो अपना आराम कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था जिंदा भी है कि नहीं है। और मगरमच्छ के छोटे छोटे बच्चे पानी में तैर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोग आगे को बढ़े तो बंदर थे, और वहाँ इनके खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, फ्रेश फ्रूट्स रहते हैं सब, वो लोग अपना एंजॉय करते हैं। और इनके फेस देखो आप एकदम काले, ये पता ही क्या है, उनका कुछ नाम था, मतलब हम लोगों ही जैसे इनके नाम रखे जाते हैं यहाँ पे। बहुत वियर्ड लगता है देखने में। बेचारे अंदर कैद हैं और हम लोग इतने पास से इन्हें देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो लगता है जब हम लोग तेंदुआ या शेर या शेरनी इस टाइप की चीज़ों को एकदम पास से देखते हैं और वो अंदर है, कितना रिस्की रहता है। बट कोई नहीं, चलो चिड़ियाघर का यही अपना एक मज़ा है। गौरी का दौड़ना भागना यहाँ पे अपना चला हुआ था, और मेरा मुंह तो अभी से ही दर्द करने लगा है वॉइस ओवर करते करते, क्योंकि लगभग 8 मिनट का वीडियो है और मुझे पूरे वीडियो में वॉइस ओवर ही देना है, बट कोई बात नहीं चलो। तो यहाँ पे पूरा चिड़ियाघर लगभग लगभग हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था, और 5-6 घंटे हम लोगों को लग गए थे। दोपहर के आए थे, 1 घंटा तो पार्किंग में ही तोड़ दिया था, उसके बाद में फिर अंदर थोड़ा बहुत खाते पीते बोलते बतियाते हम लोगों ने यहाँ पे पूरा अपना जो हमारा जो पूरा प्लान था ना चिड़ियाघर जाने का कि एक एक चीज़ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने की। और देखो इतने प्यारे प्यारे से यहाँ पे क्या कहते हैं इन्हें
मोर मोर भी थे। बिटू एक मिनट, और यहाँ ये बैठा है टाइगर। सॉरी गौरी बार बार डिस्टर्ब कर रही है वॉइस ओवर करने में। मैं जहाँ बैठती हूँ उसे वहीं पे जाना होता है। और ये है तेंदुआ, और तेंदुआ की छलांग 17 फिट या 19 फिट ऐसे ही कुछ होती है ऊँची, शायद मैं करेक्ट ना बता पा रही हूँ, सॉरी। सो इसका जो जाल था ना, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कवर्ड था, क्योंकि इतनी ऊँची छलांग ये लगा लेते हैं तो पूरा कवर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ शायद मेरा कैमरा कुछ गड़बड़ किया था, या मैं कैमरा ऑन करके भूल गई होंगी। बट वेदर अच्छा था। और पता है चिड़ियाघर वगैरह, चिड़ियाघर है या कोई पार्क है, इस टाइप की कोई जगह जाने में ना सबसे अच्छा टाइम यही होता है विंटर्स का, क्योंकि विंटर ही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप हर चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे से, वरना फिर पसीना वगैरह आने लगता है और हम लोग को लगता है बस चलो यार अब घर हो गया। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे इस तेंदुए की अपने घर वालों से लड़ाई हो गई, अलग ही लेवल का ये घुर्रा रहा था। बाकी फैमिली मेम्बर्स साथ में बैठे हुए थे। और यहाँ पे गौरी की दौड़ा भागी ऐसी शुरू है। गौरी का पता है क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक सीधी सड़क है, दाएँ बाएँ कुछ नहीं है, तो ये सीधा सीधा भागती चली जाएगी जहाँ तक इसको रास्ता दिखेगा। इसको हम लोग कभी रोके ना ना, तो ये रुकती ही नहीं है, थकने का नाम नहीं लेती है। और यहाँ पे वो जो रात्रि चर वो होते हैं ना, पक्षी होते हैं, वो सब थे यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइटिंग का बहुत वो होता, मतलब लाइट बंद थी, आगे आते आते लाइट एकदम बंद हो जाएगी। और हम लोगों को टॉर्च वगैरह जलाने की भी ज़्यादा अलाउ नहीं था, क्योंकि फिर इन लोगों को उल्लू वगैरह को दिक्कत होती है। बट अगर थोड़ा बहुत कुछ शूट हुआ होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। इसमें एकदम ठंडा था और बदबूदार था, क्योंकि इतने पक्षी थे यहाँ पे और इतनी कम जगह में वो सब कैद थे, तो वो सब बदबू भी आ रही थी। और फिर हम लोग यहाँ से निकले, और मुझे भी पता नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ इस जगह, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे कोई एक गेंडा टाइप का कोई जानवर था, तो मैं वहाँ गई नहीं थी देखने के लिए। और अब गौरी यहाँ पे थक चुकी है, चप्पल उतर गए और सॉक्स उतर गए, सारी चीज़ें उसकी उतर गई हैं, मगर वो नॉर्मल नहीं हो रही है। या मैं एक चीज़ और बता दूं, इस सूट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ मुझसे इंस्टाग्राम पे या इसी वीडियो के कमेंट पे पूछ सकते हो। और आप अगर लो ना लो वो आपके ऊपर है, बट आप जॉर्की साइड ज़रूर सर्च करना इंस्टाग्राम पे, और प्लीज़ इनके कलेक्शन देखना, बहुत ही प्यारे कलेक्शन है, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर आप ये सूट लेने का मन बना रहे हो या ऐसे ही कोई और सूट लेने का प्लान बना रहे हो, तो आप जॉर्की की साइट पर जाके मेरा कूपन अंकिता60 ज़रूर डालना, आपको 15% का बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। आज का हमारी ये ट्रिप हो गई, बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। होप करती हूँ आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए, मेरे सारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।